प्रॉब्लमेटिक सॉयल। इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट कहते हैं प्रॉब्लम सॉयल आर द सॉयल हुज प्रोडक्टिविटी इज लोअर्ड ड्यू टू इनहेरिट अनफेवरेबल सॉयल कंडीशन विथ साल्ट कंटेंट एंड सॉयल इरोजन। प्रॉब्लम सॉयल मतलब क्या समझते हैं हम कि मिट्टी में प्रॉब्लम है यानी कि मृदा में कुछ दिक्कत है। दिक्कत किस चीज़ से है? दिक्कत ये है कि वो अच्छे से वहाँ पर कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहा है। कोई बीज लगा रहे हैं हम तो वहाँ मिट्टी से उपज नहीं हो रही है उसकी। तो किसके कारण हो रहा है? प्रोडक्टिविटी पे आपका असर पड़ रहा है यानी कि फसल के पैदावार पे असर पड़ रहा है। इससे होगा क्या? लोअर ड्यू टू इनहेरिट अनफेवरेबल सॉयल कंडीशन। ये आपका मेन इनहेरिट अनफेवरेबल कंडीशन होता है जहाँ पर आपके कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रही है। उस सॉयल में वो सॉयल आपका ख़राब हो चुका है। साल्ट कंटेंट एंड सॉयल रिएक्शन ये मेन आपके कॉसेस हैं प्रॉब्लम सॉयल के यानी कि सॉयल क्रिएशन के। ओके दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉयल इंक्रीज्ड इनवर्सली टू 6.74 मिलियन प्रति हेक्टेयर। ओके यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे भारत में जो साल्ट है जो नमकीय आपके सॉयल हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 6.74 मिलियन हेक्टेयर ये आपका मेन जो एक वैल्यू दिया गया है। ओके नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम। सॉयल सैलिनिटी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। जो सॉयल सैलिनिटी है मृदा का क्षारीय होना ये एक प्रकार का ज़्यादातर आपका समस्या हो रहा है। इस समय आपका बढ़ता जा रहा है रिस्ट्रिक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन जो कि फसल के पैदावार को रोक रहा है। मेन क्या हो रहा है? आपका जो मिट्टी है वो क्षारीय हो जा रहा है जिससे फसल की पैदावार क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। अब फसल की पैदावार क्यों रुक रही है भाई? क्योंकि फसल तो हम लगा रहे हैं मिट्टी में ही। जब मिट्टी ही क्षारीय है तो वहाँ से ज़्यादातर प्रोडक्शन होगा नहीं, फसल पैदा हमारी होगी नहीं। इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एरिड और सेमी एरिड रीजन दिया गया है हमारे संसार का। तो ये मेन क्लियर होता है आपका प्रॉब्लमेटिक सॉयल। प्रॉब्लमेटिक सॉयल में हम क्या समझे कि ऐसी सॉयल जिसमें प्रॉब्लम आ गया हो यानी कि जैसे साल्टी सॉयल होती हैं आपकी वो लगभग आपके वो क्या करती हैं मेन वो आपकी रोक दे रही हैं ग्रोथ को, क्रॉप प्रोडक्शन को रोक दे रही हैं। ये मेन कॉजेज है आपका प्रॉब्लम सॉयल का। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉयल। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सॉयल के कितने प्रकार हैं। पहला आपका सैलाइन सॉयल। नेक्स्ट पॉइंट इज सोडिक अल्कलाइन सॉयल। नेक्स्ट वन सैलाइन सोडिक। नेक्स्ट वन एसिडिक सॉयल। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर प्रॉब्लमेटिक सॉयल। इसमें आपका दिया गया ए एसिड सल्फेट सॉयल, बी है आपका कैलकेरियस सॉयल। तो ये आपके टाइप्स हैं, ये डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है। भाई साहब पूछ देगा ऐसे ही कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉयल बताइए, वहाँ पर आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में बताना है, वहाँ पर आपको नोट डाउन करना होगा। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।